नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। आज आपको लेकर चलूंगी देश के पहले पिंक वेंडिंग जोन में। रविवार 26 दिसंबर को हरिद्वार में रेडी पटरी के लघु व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत नगर निगम द्वारा क्रियान्वित करते हुए भारत वर्ष में सर्वप्रथम महिला स्ट्रीट वेंडर्स के लिए रोड़ी बेल वाला क्षेत्र में पिंक वेंडिंग जोन बनाए जाने का शुभारंभ किया गया। प्रदेश के रेडी पटरी लघु व्यापारियों को संगठित करके लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने रोड़ी बेल वाला स्थित पिंक वेंडिंग जोन में पहुंचकर नगर निगम प्रशासन का सहयोग करते हुए पिंक वेंडिंग जोन के लोकार्पण और उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया। इस अवसर पर संजय चोपड़ा ने कहा, 2003 में हम लोगों ने लघु व्यापार गठन किया था और तभी से रोड़ी बेल वाला क्षेत्र को रेडी पटरी के लघु व्यापारियों के वेंडिंग जोन में विकसित करने की मांग की जा रही है। इस अवसर पर चोपड़ा जी ने जिला प्रशासन और मुख्य नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती के प्रति भी आभार प्रकट किया। 20 वर्ष मुझे हो गए और शुरू से मैंने जब से राज्य बना रोड़ी बेल वाला क्षेत्र में 2003 के अंदर हमने यहाँ पर लघु व्यापार एसोसिएशन का गठन किया था और हमारे महबूब नेता संरक्षक लघु व्यापार एसोसिएशन के डॉक्टर हरक सिंह रावत यहाँ पर कार्यक्रम में आए थे और हमने उनका जन्मदिन भी इसी क्षेत्र में मनाया था। उस दिन से और आज तक मैं लगातार रोड़ी बेलवाला में यही मांग करता रहा कि रोड़ी बेलवाला के अंदर हमारा वेंडिंग जोन बनने चाहिए। तो आज हम धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमारी जनभावना का सम्मान करते हुए यहाँ पर भारत हरिद्वार का ही नहीं, उत्तराखंड का ही नहीं, भारतवर्ष का पहला प्रथम महिलाओं के लिए पिंक वेंडिंग जोन बनने जा रहा है, बन गया है समझ लीजिए आप। जब क्योंकि स्ट्रक्चर आ चुके हैं, तारे बिछड़ी हैं, बिजली की तारे बिछड़ी हैं, खंभे लग रहे हैं, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और जो भी सुविधाएं यहाँ पर दी जानी है उनका भी कार्य यहाँ पर प्रारंभ हो गया है। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिला प्रशासन का, धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे जो दयानंद सरस्वती जी हैं, जो हमारे आयुक्त हैं, जिनकी सार्थक पहल ने यह साबित कर दिया कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना कैसे क्रियान्वयन होती है, रेडी पटरी राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत किस प्रकार से रोजगार सूचित होते हैं, यह उन्होंने साबित कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। अभी 100 का हमारा ये वेंडिंग जोन है, 500 लोगों को अभी हमने यहाँ पर और विकसित कराना है, 500 लोगों को और समाहित कराना है। तो हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इस पिंक वेंडिंग जोन का कार्य प्रारंभ हो जाए और जो अगला वेंडिंग जोन हमारा 200 का बनना है, जिसमें पुरुष महिला संयुक्त रूप से कार्य करेंगी, वो शीघ्र से यहाँ पर प्रारंभ हो जाए। तो आज हमने जो है कंपनी का सहयोग करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यही मांग दोहरा रहे हैं कि शीघ्र से शीघ्र इसका लोकार्पण और उद्घाटन हो, ताकि यहाँ पर लोग बाग जो है सुरक्षित रूप से, संरक्षित रूप से अपना स्वरोजगार अपना सकें और भय मुक्त रोजगार कर सकें। ये नहीं कि कोई भी पुलिस वाला आ रहा है, जब मर्जी हड़का दिया, जब मर्जी यहाँ पर जो है सावन का मेला, कावड़ का मेला लगता है, यहाँ से खदेड़ दिया, अब नहीं खदेड़ा जाएगा, अब जो यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर कारोबार करता है वो यही कारोबार करेगा। नगर निगम प्रशासन द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशन में प्रधानमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहित योजना के अंतर्गत संपूर्ण भारत वर्ष में यह महिलाओं के लिए पहला वेंडिंग जोन बन गया है। यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स भय रहित होकर अपना व्यापार कर सकेंगे। अंदर से सभी महिलाएं, वेंडर्स और बहनें और हमारे भाई और हमारे अध्यक्ष जी वहाँ से उपस्थित हुए, मैं हृदय की गहराइयों से सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आज आप इस जगह पर बुलाना हमारा एक ही उद्देश्य था कि आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार हो, आप लोग पिंक वेंडिंग जोन को देखें कि हमारी लघु व्यापार एसोसिएशन जो हमने 20 साल से खड़ा किया था, क्या वो कोई काम कर भी रही है या नहीं कर रही है, क्या हम उसके रजिस्टर में कहीं अंकित हैं या नहीं है, ये सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए आपको यहाँ बुलाया था कि आपको लघु व्यापार एसोसिएशन पूरी तरह से याद है और आपके लिए लड़ाई लड़ रही है और आपकी जो बातचीत अभी है हम बैठकर फिर आपकी बातचीत करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग देखें, इससे ऊर्जा बांध लें, प्रेरित हो और आपका भी काम वेंडिंग जोन बहुत जल्द ही वापस शुरू करवाया जाएगा। ये भी हमारी संस्था की तरह अध्यक्ष लगे हुए हैं और बहुत जल्दी उसका टेंडर पूरी होने वाली है, मैं बताना चाहता हूँ, और हमारे सभी लोग खुशहाल, अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, अच्छा कारोबार करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे। ये मेरी आपको सबको शुभकामनाएं।